Thank you, Chair Madam, Chairman. Madam, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा. आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अमेंडमेंट बिल 2019 के फेवर में बोलने के लिए मुझे मौका दिया. बस इधर ठीक है. नहीं नहीं, यूज द सेम माइक. हाँ, दिस इज बेटर. थैंक यू मैडम. पोल पीड़ित है, पोल पीड़ित नहीं, बिकॉज द पिलर इज कमिंग, दैट्स व्हाई. थैंक यू. मैं पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा और हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा. उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अमेंडमेंट बिल 2019 को लाकर हम असम में एक नया एनआईडी बनाने का और एनआईडी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बनाने का जो सिद्धांत लिया, उसको मैं असम के लोगों के तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा. मैडम, हम सभी जानते हैं आज के वर्ल्ड में डिजाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण है. थ्रू डिजाइन हम लोग पूरा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हम पढ़ा रहे हैं वहां पे, लेकिन हमारे जितने भी नए पीढ़ी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको हम रिसर्च करने का, एक्सीलेंट ट्रेनिंग देने का और मार्केट रिसर्च करने के बाद फिर पढ़ने का जो मौका और माहौल, ये बनाना बहुत जरूरी है. अगर उनको हम रिसर्च करने के लिए मौका देंगे, अपना जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखाने का अगर हम लोग मौका देंगे, तो देश में एक नया माहौल बनेगा. आज एनआईडी के थ्रू ये माहौल बन रहा है. थ्रू एनआईडी हम जितने भी स्टूडेंट को वहां पे पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट जाके मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं, सारे चीजों को देखकर वो वहां पे पढ़ रहे हैं. ऐसा इंस्टीट्यूट हम सभी राज्यों में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल जो आर्ट्स के कोर्स, ऐसे कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें खाली क्लर्क ही हम लोग होते हैं. हमको टेक्निकल नॉलेज हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का पूर्वज की हम लोगों का टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा था. हम लोग टेक्निकली बहुत साउंड थे, लेकिन वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट ना होने के वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. आज असम में एनआईडी बन रहा है और एनआईडी अभी है, फिर भी एनआईडी का डिप्लोमा ही तक उनका सीमित है. वो डिग्री दे नहीं पा रहे हैं, वो मास्टर्स नहीं दे पा रहे हैं, वो पीएचडी नहीं दे पा रहे हैं. अगर ये बिल आएगा, इस बिल के थ्रू वो डिग्री उनको मिल पाएगा, मास्टर्स वो कर पाएंगे और वो लोग पीएचडी भी हो सकते हैं. और ये बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव. हम चाहते हैं वहां पे जो भी कोर्सेस है, वो कोर्सेस को थोड़ा दायरा और भी बढ़ाना चाहिए. अभी जो जो कोर्सेस है, एनिमेशन, फिल्म डिजाइन, सिरेमिक और ग्लास डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, फर्नीचर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सारे जब डिजाइन है, इसमें और दूसरा भी डिजाइन जो नया नया हम लोग का ट्रेडिशनल डिजाइन है, उनको भी इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है, मैं ये मानता हूं. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलना चाहूंगा असम के थ्रू, असम में जो भी सीट कैपेसिटी है, वो सीट कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए. अभी कैपेसिटी 60 है, वो 60 जो कैपेसिटी है उनको अगर बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा, वो अगर बढ़ा सकते हैं. फैकल्टी भी वहां पे बढ़ाना चाहिए और फैकल्टी का जो क्वालिटी होना चाहिए वो भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए. और यहाँ बिल में बोला गया है हम लोग कैंपस बना सकते हैं, देश के बाहर भी हम लोग कैंपस बना सकते हैं, ये बोला है, तो ये भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ हमको भी कॉम्पीट करना है. हम लोग इंटरनेशनली, हम लोगों को बच्चे को या हमारे नया स्टूडेंट को, उनको उस लेवल के लेके जाना है. हम लोग एनआईडी अहमदाबाद को देखा है, हम एनआईडी अहमदाबाद में बहुत ही चेंजेस हुआ है और एनआईडी अहमदाबाद के थ्रू
अभी इंटरनेशनली अहमदाबाद को रिकॉग्निशन मिला है, बहुत बाहरों में भी, यूएसए में भी एनआईडी अहमदाबाद को भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन है, तो उस लेवल तक हमको लेके जाना है। मैं आसाम के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहूंगा, हम बोलते हैं हमारे जो सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर थे शंकरदेव जी ने उसी टाइम में ही वृंदावनी वस्त्र बनाया था, जिसको वृंदावनी वस्त्र बोला जाता है, और उनका जो बनाने का जो हुनर है उसी टाइम में अभी जो लंदन में म्यूजियम में है अभी असम में वो नहीं है। तो उस लेवल तक हम लोग टेक्सटाइल टेक्नीशियन को थ्रू हम लोग आगे ले जा सकते हैं। असम में सबसे बढ़िया सिल्क मिलता है, उस सिल्क को कितना अच्छा डिजाइन तक हम लोग ले जा सकते हैं उसका भी वहाँ पे अगर व्यवस्था हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे बेल मेटल का कारीगर रहते हैं, उनका भी ट्रेडिशनल डिजाइन है, उस डिजाइन को भी हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं और हमारे जितने भी ट्रेडिशनल डिजाइन है उस डिजाइन के ऊपर हम लोग अगर रिसर्च करके उसी भी डिजाइन को अगर हमारे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में इंक्लूड करते हैं और उसको पढ़ाने का हम लोग अगर व्यवस्था करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत फायदा होगा और हमारे स्टूडेंट भी सीखेंगे और हमारे जो भी कारीगर है उनको भी एक मार्केट मिलेगा। तो उस लेवल तक अगर हम लोग जाएंगे और मार्केट रिसर्च और एनआईडी के थ्रू, मैं ये भी बोलना चाहूंगा क्योंकि एनआईडी के स्टूडेंट्स को दूसरे दूसरे जगहों पे भी लेके जाना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे हाई सेकेंडरी लेवल का स्कूल्स है उस स्कूल्स में उन लोगों को लेके जाके इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। हम जितना इंटरेक्शन करेंगे नए नए लड़कों के साथ, नए बच्चों, नए स्टूडेंट के साथ, तो वो भी टेक्निकली आगे बढ़ने के लिए उनको मौका मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगा। तो ऐसा अगर उस लेवल तक हम लोग लेके जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं यही आशा करता हूं, जो अभी नया हम लोग नया एनआईडी बना रहे हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस हम लोग उनका लेवल तक लेके जा रहे हैं, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़वा रहे हैं, एक्सीलेंस बढ़ा रहे हैं, ऐसे भी आगे भी ऐसा करना चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूं। और असम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि असम में ये एनआईडी बन रहा है और एनआईडी बढ़ रहा है और इस एनआईडी को और बढ़ाने के लिए मैं आशा करता हूं इसको और सीट कैपेसिटी बढ़ाया जाए और उनका जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटीज को भी और बढ़ाया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए। थैंक यू।